बैंकिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और वेल पेइंग प्रोफेशन है, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेक्टर में आपको अगर अपना करियर बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सेक्टर काम कैसे करता है, उसके अंदर किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है बैंकिंग सेक्टर को लेकर कि डिफरेंट टाइप बैंक कौन से होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की जॉब्स कौन सी होती है, अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो सीरीज को देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए बैंकिंग सेक्टर के बारे में और आप इसके अंदर अपना करियर बना सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के बैंक्स कौन से होते हैं। इंडिया में जो बेसिकली डिफरेंट टाइप के बैंक है वो है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, देन आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे ICICI, HDFC बैंक, येस बैंक, देन आते हैं फॉरेन बैंक्स जैसे HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन आते हैं रीजनल बैंक्स जो कि जो रीजनल टाइप के होते हैं जैसे ग्रामीण बैंक होते हैं, और अभी एक लेटेस्ट टाइप के बैंक आए हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो मैंने इस वीडियो सीरीज़ में हर सेक्टर को लेके डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाई है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के लिए एक डिफरेंट वीडियो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए डिफरेंट वीडियो है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको उस सेक्टर के अंदर जॉब चाहिए तो आपको कैसे मिल सकती है। तो इस वीडियो में जो मेरा फोकस है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जॉब चाहिए या आप उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम आपको फालतू की बकवास चीज़ें नहीं बताते, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाते हैं कि कैसे आप उस सेक्टर के अंदर जॉब ले सकते हैं। इंडिया में प्राइवेट बैंक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट है रिटेल बैंकिंग, देन है कॉर्पोरेट बैंकिंग। जो रिटेल बैंकिंग होती है वो छोटे क्लाइंट के लिए होती है, जो बेसिकली जो ब्रांच बैंकिंग होती है जहाँ पे नॉर्मल लोग जाके अपनी बैंकिंग कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप की बैंकिंग डिवाइड हो जाती है जैसे पर्सनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, बट बेसिकली जो इनका फोकस होता है वो छोटे क्लाइंट के ऊपर होता है। देन आती है कॉर्पोरेट बैंकिंग। जो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है वो बेसिकली बिजनेस अकाउंट के पे डील करती है, जैसे बिजनेस अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए, वर्किंग कैपिटल लोन हो गए, फंड मैनेजमेंट हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई। तो जो बहुत बड़े क्लाइंट होते हैं उनके साथ जो डील करते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो अगर आप एंट्री लेवल जॉब देख रहे हैं बैंकिंग के अंदर तो फिर आपको रिटेल बैंकिंग में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर मोस्टली एक्सपीरियंस बंदे होते हैं या फिर वो बहुत हाई लेवल के बंदों को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे IIM से IIT के बंदों को लेते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना है देन रिटेल बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट बैंक्स के अंदर स्टार्टिंग लेवल पे किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती है। तो जो प्राइवेट बैंक के अंदर जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है वो टू टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट हम उसको बोलते हैं क्लैरिकल जॉब्स, सेकेंड बोलते हैं मैनेजर लेवल पर जॉब्स। तो जो क्लैरिकल जॉब्स होती है वो मोस्टली ग्रेजुएट लोगों के लिए होती है, और जो मैनेजर जॉब होती है वो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए होती है या फिर मोस्टली इसमें MBA ही हायर होते हैं। तो अगर आपने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है तो आप क्लैरिकल जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर MBA कंप्लीट की है देन आप मैनेजरियल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर आप क्लैरिकल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और मैनेजर लेवल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्लैरिकल जॉब्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, इसके लिए कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के बैंकिंग कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसे आप BBA कर सकते हैं बैंकिंग के अंदर, और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी ओपन हो गए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है काम करने का। तो क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है उनका जो मेन मोटिव है वो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें, और तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो भी बैंक में जॉब्स होती है वो मोस्टली सेल्स से रिलेटेड होती है, चाहे आप क्लैरिकल लेवल पे हो या फिर मैनेजर लेवल पे हो, आपको सेल्स करनी ही पड़ेगी अगर आप प्राइवेट बैंक के अंदर हो।
इवन आजकल तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर भी आपको सेल्स के एक टारगेट मिलते हैं और वो आपको अचीव करने ही पड़ते हैं। तो आपको सेल्स तो आपको आजकल करनी ही पड़ेगी अगर आप रिटेल बैंकिंग के अंदर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक में ले लें या फिर प्राइवेट बैंक में ले लें। बट प्राइवेट बैंक के अंदर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है इंस्टेड ऑफ लोगों को सर्विस देना। अब हम देख लेते हैं अगर आपको प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब्स अप्लाई करनी है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है इसके अंदर अप्लाई करने का वो होता है थ्रू वेबसाइट। हर बैंक की अपनी वेबसाइट के अंदर एक करियर का लिंक होता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके सिटी में किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है और वहाँ पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको आपका CV अच्छा लगा तो आपको कॉल करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, देन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप उसके अंदर जॉब ले सकते हैं। तो जो इसमें जो डिफरेंस होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर, इसके अंदर आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता जैसे IBPS वगैरह, इसके अंदर आपको डायरेक्ट ही जॉब मिल सकती है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आपके सेल्स स्किल्स अच्छे हैं। एक और जो तरीका होता है वो होता है कॉलेज प्लेसमेंट। तो जो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो डायरेक्ट जो बच्चों को रिक्रूट करते हैं कॉलेज के थ्रू करते हैं, क्योंकि एक MBA लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है कि वो MBA को अगर रिक्रूट करते हैं और डायरेक्टली कॉलेज से ही कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए भी इजी होता है और उनको टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो मोस्टली ये दो ही तरीके होते हैं कि आप उनकी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं या फिर आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो सकती है बैंक के अंदर। तो जो एक और जो तरीका लोगों को लगता है वो है कि किसी हम प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी जॉब ले सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो फेक होती है, वो आपसे पैसे चार्ज कर लेगी और आपको कोई भी जॉब नहीं देगी, क्योंकि बैंकिंग के बहुत ही कम टाइप होते हैं इन प्लेसमेंट एजेंसी के लिए। बट वो बैंक के नाम पे आपको आपके पैसे ठग लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे बैंक में जॉब मिल जाएगी, बट बैंक ऐसे काम नहीं करते। अगर आपको बैंक के अंदर जॉब चाहिए तो ये दो ही तरीके हैं, या तो आप उनकी वेबसाइट के थ्रू जाइए या फिर आप कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि एक सेल्स बेस्ड जॉब है तो फिर इसके अंदर इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके सेल्स पिच अच्छे हैं, अगर आपने सेल्स अच्छी की है तो फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। बट एज बेसिक इसमें जो सैलरी आपको मिल सकती है क्लैरिकल लेवल पे, वो स्टार्टिंग में अराउंड 20,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे और मैनेजर लेवल पे जो होता है वो अराउंड 30,000 से 35,000 रुपये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ईजिली मिल जाती है। बट जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आपके सेल्स स्किल्स बढ़ते हैं, वैसे अंदर आपके इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बन जाते हैं और आप इजीली लाखों रुपए तक इसमें आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसेंटिव अनलिमिटेड होते हैं। आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर जॉब चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखिए, इसके अंदर फॉरेन सेक्टर के अंदर आप कैसे जॉब ले सकते हैं, रूरल बैंक में कैसे जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में कैसे जॉब ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।